ये है कि इसका देखते हैं, ये वो इसका पाइप यहाँ से कट चुका है, देखिए तेल बहुत तेज़ी से आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे डायरेक्ट पेट्रोल आ रहा है, इसको बंद करेंगे तो क्या होगा। तो जैसा ये कार्बेटर का तेल खा रही है अभी, और देखते हैं कितनी देर चलती है ये। तो जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ पर काफ़ी सारा गंदा हो रखा था, तो इसमें से पता नहीं तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका कुछ मालूम नहीं है, मगर गंदा बहुत हो रखा। आज इसको अच्छे से सर्विस साफ़ करेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है, क्या रिजल्ट आते हैं। तो जब तक ये बिना, इधर मैंने पेट्रोल का पाइप हटा दिया है तो इधर ये चल रहा है खाली, और इसको थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा देते हैं। राइट तरफ घुमाएंगे, इधर की तरफ घुमाएंगे तो बढ़ेगा, उधर की तरफ घटेगा, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखें। और कभी जैसे कि आज हमने काफ़ी बढ़ा दिया, तो जैसा कि ये कार्बेटर का तेल कितनी देर में खत्म होगा वो देखते हैं, थोड़ा आरपीएम कम कर देते हैं। जैसा कि वाले पाइप को और छुटा के देखता हूँ क्या होता है। जैसा कि इसको छुटाने में बहुत ज़्यादा आर पी एम बढ़ गया, यहाँ से जो है वो एयर मिल के आ रही है ना, तो इसलिए मैंने इसलिए हटा दिया। हाँ ये देखिएगा, अब इतना देर ख़त्म हो चुका है, दोनों तार मैंने हटा दिए हैं, इससे जो है एयर मिलती है। तो इसका ये चौक का है, लगाने से क्या फर्क पड़ेगा ये देखिए, इसको लगाने से फिल हो गई। और अब यहाँ पर इसका तेल सारा ख़त्म हो चुका है, तो ये जैसे कि ये पाइप हमारा फट चुका है, इसको दूसरा लगाते हैं अभी। और इसका माइलेज जो है वो इस टाइम बिल्कुल सेट हो चुका है।